मॉर्निंग एट क्लास। ओके बच्चे, एट क्लास कैसी हैं आप सब? बढ़िया है ना? आई होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे। ओके बच्चे, बच्चे हम कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर, लेसन 11, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में बेटा मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना फोर्स कहलाता है। और प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर जो है बेटा सभी पर लगता है। और फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई चीज़ चल रही है, चलते चलते वो रुक जाती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। फोर्स है जो, फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स मैंने बता दिया था आपका, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अलग अलग तरह के फोर्स, उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था बच्चे। ओके, अब आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर वाटर के ऊपर, एयर के ऊपर, सॉलिड के ऊपर, सभी पे लगता है। आप बैलून फुलाते हो, ठीक है, बैलून को खुला छोड़ देते हो, तो प्रेशर से क्या हो जाती है, सारी हवा उसमें से निकल जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा बैलून फुला देते हो तो बैलून क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है। क्यों? प्रेशर की वजह से वो फट जाता है। दूसरा वाटर है, आपने एक बॉटल में पानी भर लिया और उस पानी को क्या करा है, आपने कहीं कहीं पे छेद कर दिए एक बॉटल में, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो भी सिर्फ प्रेशर की वजह से ही होता है बेटा। ओके, तो ये था प्रेशर। अब हमने बात करी थी गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर, और लिक्विड भी प्रेशर देता है कंटेनर पे। गैस, लिक्विड, सॉलिड सभी पे प्रेशर लगता है। लेकिन क्या बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बाद ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो यू हैव टू फिनिश दिस चैप्टर आफ्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बाद आपने ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इस चैप्टर के अच्छे से रीडअप करना, और मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, तो उन असाइनमेंट्स को आपने करना है। वो जब ही कर पाएंगे जब आप लेसन को पूरा अच्छे से रीडअप करेंगे। ओके बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए बेटा, यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आपने देखा होगा कि हमारे चारों तरफ क्या होती हैं, एयर होती है, हमारे चारों तरफ एयर होती है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इस एयर को, जो चारों तरफ ये एयर है, इस एयर को क्या बोला गया है बेटा, एटमॉस्फेयर बोला गया है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सिस्ट अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे आस पास या इतनी दूरी पर ही नहीं है, थोड़ी सी हमारी छत है, छत से थोड़ा ऊपर चले जाएँ और थोड़ा चले जाएँ, यहाँ तक ही नहीं है, ये हमारे को काफ़ी ऊपर है, अर्थ सर्फेस से भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भी अलग अलग लेयर्स हमारे एटमोसफियर की पाती हैं। इसको हम एटमोसफियरिक, जो ये एयर है, जो हमारी एयर पाई जाती है अर्थ के ऊपर हर जगह तक, इसको एटमोसफेरिक प्रेशर बोल, दिस प्रेशर और इज नोन एज एटमोसफेरिक। द एटमोसफेरिक एयर एग्जिस्ट अप मैनी किलोमीटर अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस प्रेशर एग्जिस्टेड बाई द एयर इज नोन एज एटमोसफेरिक प्रेशर। अर्थ के ऊपर जो एयर है वो क्या कर देती है, एक प्रेशर बनाती है, उस प्रेशर को एटमोसफेयरिक प्रेशर बोला जाता है। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होती है, प्रेशर कहलाता है। पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी प्रेशर। इफ वी इमेज अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्लाइडिंग ऑन अनफिल्टर्ड विद एयर, देन द वेट ऑफ द एयर इज दिस कैपेसिटी इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। आप एक सिलेंडर में एयर भरिए, वो
उस पर जोर लगाते हैं तो क्या होगा, वो एकदम से फिर उसको छोड़ते हैं तो एकदम से उसमें से सारी एयर निकलेगी। तो पर यूनिट एरिया के ऊपर इससे ये पता है चलता है कि पर यूनिट एरिया पे क्या है, प्रेशर लगता है। बट हाउ लार्ज, देखिए बेटा ये यहाँ पे इसमें एयर डाली गई और फिर इसको छोड़ा गया तो इसमें सिर्फ एयर निकलती है। तो पर यूनिट एरिया पे जो जोर लगता है, जो दाब पड़ता है, उसको प्रेशर बोला जाता है। ओके, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना पर हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना ज़्यादा होता है या कितना कम होता है ये देखना है हमने। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इस मैग्नीट्यूड, अब हम देखते हैं इसके एक मैग्नीट्यूड देखते हैं। ओके बच्चा, अब इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। देखिए इसको, ओके बच्चा देखिए, व्हेन यू प्रेस द सक्कर मोस्ट ऑफ एयर बिटवीन द इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, जब आप कोई सक्कर लेते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा एयर आप देखोगे उसके अंदर होती है। द सक्कर स्टिक्स अप द सरफेस, सरफेस के साथ वो चिपक जाता है, स्टिक्स कर जाता है बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एटोनिक, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी चीज़ है नॉर्मली जैसे शक्कर ही है एक चिपकने वाली चीज़, उसको ऐसे लेंगे चिपकाएंगे वो चिपक जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए वो उसके साथ क्या होता है बेटा, चिपक जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से वो उसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एटॉमिक, वो इस कारण से चिपक जाता है क्योंकि उसके साथ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। टू पुट द सरफेस ऑफ द सरफेस, टू पुल ऑफ द शक्कर ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस शक्कर को जब आप हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है शक्कर को हटाने के लिए, काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि आपके पास क्या है, क्योंकि उस शक्कर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होने के कारण ही शक्कर को हटाने में काफ़ी परेशानी होती है, यानी कि काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है आपको। ओके, टू पुल द शक्कर ऑफ सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज, ज़्यादा अप्लाइड फोर्स देना पड़ता है आपको, इनहफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए। दिस कैपेसिटी माइट गिवन यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आइडिया इससे आपको मिलता है। इन फैक्ट यू वुड नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू पुल द सक्कर ऑफ सरफेस ऑफ द वेयर नो एयर एट द एट बिटवीन द सक्कर एंड द सरफेस, लेकिन ये सक्कर किस टाइम पे ये हेल्प करेगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब बनेगा, वो जब वहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी। ओके, इफ देयर वर नो एयर ऑल एट बिटवीन द सक्कर एंड द सरफेस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर नहीं बन पाएगा, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटे वहीं पर शक्कर चिपकेगा, प्रेशर जहाँ पर होगा। और प्रेशर कब होगा, जब आपका एयर प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी तो शक्कर बनेगा, चिपक जाएगा शक्कर, और शक्कर को चिपकाने के लिए क्यों, कौन चिपकाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
डज इट यू आइडिया लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कहाँ पर लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाएगा? द वेट ऑफ एयर इन द कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एन एरिया 15 cm × 15 cm इज नियरली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 225 kg, दैट इज 2250 newton. The reason was not crush under the weight of that of the pressure inside your body is equal to the atmospheric pressure. देखिए कोई चीज़ है आप कर रहे हैं तो ये वेट आपकी बॉडी के लिए नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से उसमें है, तभी आप कुछ आपके ऊपर आपको वो ज़्यादा लगता है. बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर ऑफ आउटसाइड, और आउटसाइड प्रेशर को कैंसिल कर लेता है इसकी वजह से. देखिए यहाँ पर ओके इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश अप हो जाता है बेटा. जरा देखिए जरा अच्छे से ध्यान से फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्टेटमेंट. टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश अ रोप. पानी खींचने के लिए कहाँ से पानी निकालना है आपने? कुएं में से पानी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप रस्सी को खींचते हैं तो यू हैव टू पुल एट द रोप. सो क्या होएगा फर्स्ट ब्लैंक में? पुल. अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट. एक चार्ज बॉडी कहाँ पे जाके अटैक होती है? अनचार्ज बॉडी पे. तो इसका आंसर लिखिए अट्रैक्ट. एक चार्ज बॉडी क्या होती है? अनचार्ज बॉडी पे अट्रैक्ट होती है. ओके बेटा अट्रैक्ट. टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट. एक लोडेड भरी हुई ट्रॉली को आगे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? उसे पुश करेंगे, धकेलेंगे. पुश. सो राइट इट पुश. द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. जब सेम पोल हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? रिपल कर देते हैं. ओके बेटा. सो राइट इट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए बेटा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा पुल. सेकेंड होगा अट्रैक्ट. अट्रैक्ट पुश. थर्ड पुश. और फोर्थ डी होगा रिपल. फोर्थ रिपल. ओके रिपल्स ईच अदर. रिपल्स ये ए बी सी डी फिल इन द ब्लैंक्स. सो राइट बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए इसको फिल इन द ब्लैंक्स को. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड. अब क्वेश्चन फोर्थ का देखिए. क्वेश्चन फोर्थ में फर्स्ट ए पार्ट शेप, बी पार्ट मस्कुलर, सी पार्ट
मस्कुलर बॉडी पार्ट ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दो है इसमें ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फिल ऑफ द ब्लैंक्स है बेटा फोर ए सो डू इट हरी अप नीट एंड क्लीन बेटा राइट नीट एंड क्लीन फिल इन द ब्लैंक्स इन योर नोट इन योर बुक हरी अप बेटा इसे लिखिए अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स पहले में पुल दूसरे में अट्रैक्ट पुश रिपल्स और फोर्थ में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें शेप मस्कुलर मस्कुलर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दो हैं इसमें एक में ग्रेविटी फर्स्ट में सेकंड में फ्रिक्शन आएगा लिखिए प्लीज ओके बेटा अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ ओके व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद अ नोबल कैप्ड इन द वाटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप फ्रॉम द बबल्स व्हेन वी रिलीज द प्रेशर अगर एक बार प्रेशर रिलीज करेंगे ऑन द बल्ब के ऊपर एक बार प्रेशर रिलीज करेंगे वाटर गेट फिल्टर विद द ड्रॉपर पानी से भर जाएगा द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू पानी बिल्कुल ही भर जाएगा उस ड्रॉपर में अगर वो उसको ऐसे हल्का सा अंदर दबाएंगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लेकिन उसको हम धीरे धीरे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे तो बिल्कुल भर जाएगा पानी से क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से तो टेंथ क्वेश्चन का डी पार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन टू एग्जांपल्स दीजिए पुश और पुल के जिससे आप स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं पुश और पुल के टू एग्जांपल्स दीजिए जिससे आप मोशंस चेंज कर सकते हैं तो बेटा स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताए थे पुश और पुल के दो एग्जांपल जिससे आप मोशन को चेंज कर देते हैं बताइए पुश और पुल के दो एग्जांपल्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देंगे बॉल को फेंकेंगे आप थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है एक एग्जांपल तो आपका बॉल का हो जाता है बेटा दूसरा एग्जांपल बताइए क्या होगा मैंने आपको बताया था जरा सोचिए आप तो बोलेंगे क्या आप बताइए बेटा दूसरा है कि आप किसी बिल्कुल के ऊपर पूरा भर के उसे प्रेशर दीजिए तो वो फट जाता है पुश करेंगे तो वो फट जाएगा या फिर रबड़ को खींचेंगे वापस वो खींच जाएगी और वापस फिर उसी पोजीशन में हो जाएगी ओके पुश और पुल का एग्जांपल गिव टू एग्जांपल द सिचुएशन विच अप्लाइड फोर्स
चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देती हैं। तो ऐसे एग्जांपल बताएं, मम्मी घर में आटा बनाती हैं, ओके बेटा आप साइकिल के ऊपर बैठते हो, ये सारे एग्जांपल्स इसकी हैं। ओके बच्चा, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा तभी आप कुछ इसका क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। ओके बच्चा, इसको अच्छे से रीड अप कीजिए चैप्टर को। ओके बेटा, बी स्टे एट होम, बी सेफ। ओके